पर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। प्रदेश सरकार के सूबे की बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई अथक प्रयास करती नजर आ रही है। सूबे के मुखिया लगातार प्रदेश की सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासेस में तब्दील करने के लिए कई कड़े कदम उठाते हुए हमेशा से नजर आ रहे हैं, पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तस्वीर कितनी बदली है इस रिपोर्ट में देखिए। बच्चों का भविष्य उज्ज्वल, योगी सरकार 2.0 में ऑल इज वेल। स्कूलों की बदहाल व्यवस्था में सुधार, बदली सरकारी स्कूलों की तस्वीर। योगी सरकार सूबे की बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसकी वानगी आज देखने को मिली है। नरही स्थित प्राथमिक विद्यालय से, जी हाँ, एक ऐसे समय था जब सरकारी स्कूलों की स्थिति बदहाल रहती थी और अभिभावक बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से कोताही बरतते थे। लेकिन योगी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काम किया और उसका असर देखने को मिल रहा है। चमचमाती दीवारें, फर्श पर चमचमाते पत्थर, ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नरही स्थित प्राथमिक विद्यालय का है नजारा, जहां पर नौनिहालों के सपनों को चार चांद लगाते हुए सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर दिख रही हैं। इस स्कूल में बच्चों के लिए खूबसूरत माहौल, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, कॉपी किताब की बेहतर व्यवस्था से लेकर समय समय पर सैनिटाइजेशन का इंतजाम भी किया गया है। आपको बता दें कि सूबे की शिक्षा अब हाईटेक हो गई है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। उसी क्रम में आपको बताएं कि बहराइच से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें प्रदेश भर के स्कूलों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। आमतौर पर जब सरकारी स्कूल का नाम हमारे सामने आता है तो वहाँ की बदहाली और अगर देखें तो टूटी इमारत और खाली पड़े बच्चों नहीं होते हैं, इसको देखने को मिलता है। मगर इस वक्त मैं हजरतगंज के नरही स्कूल में हूँ, जो कि स्मार्ट स्कूल है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि स्कूल को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ फोटो कोलाज भी लगाया गया है, जिसमें स्कूल के बच्चे और जो भी यहाँ गणमान्य आए हैं उनके साथ तस्वीरें लगी हैं। व्हाइट बोर्ड के साथ साथ ग्रीन बोर्ड भी लगाए गए हैं। स्कूल को अगर देखें तो अंदर से ऐसा बनाया गया है जैसे प्राइवेट स्कूलों को बनाया जाता है। साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये क्लास छोटी क्लास है, और यहाँ तस्वीरों आप देख सकते हैं कि बच्चे ने ड्राइंग बनाया है, मछली और हाथी बनाया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ 50% जो बच्चे हैं वो स्कूली ड्रेस में हैं। साथ ही बेंच की व्यवस्था की गई है, पंखे की पूरी व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं कि पूरे चार्ट लगाए गए हैं। उसी क्रम में आप हम यहाँ कुछ बच्चों से ही बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस स्कूल में आकर वो कैसा महसूस करते हैं। और तस्वीरों आप देख के समझ सकते होंगे कि ये स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं लग रहा है, और यहाँ जो शिक्षक है इनका भी एक बड़ा योगदान है इसको बनाने में, और साथ ही साथ इस व्यवस्था को लागू कर और बच्चों को एक बेहतर व्यवस्था देने में। सबसे पहले बेटा अपना नाम बता दें। विशुबुल। बेटा आपने हाथी बनाया है, मछली बनाया है, कैसा लगता है स्कूल में बैठ के? सरकारी स्कूल जिसमें आपको बेंच मिल रही है, टाइल्स लगे हैं, सब व्यवस्थाएं ठीक हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और अगर बात की जाए तो कौन सी क्लास आपको ज्यादा अच्छी लगती है? मैथ, इंग्लिश, ड्राइंग, हिंदी, कौन सी? ड्राइंग। और क्या क्या बनाया आपने? तो आप देख सकते हैं कि ये मछली और हाथी बनाया है, वही ठीक पीछे एक बच्ची है। बेटा आपने ये क्या बनाया है? ये गुड्डा बनाया है और ये पेड़ बनाया है। अच्छा, आप स्कूल में आती हैं, स्कूल में आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? ड्राइंग। तो आप देख सकते हैं कि इस बच्ची ने एक पेड़ बनाया है, साथ ही साथ तमाम बच्चे यहाँ ड्राइंग की क्लास चल रही है और सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ बनाया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ बच्चियाँ हैं उनके द्वारा भी यहाँ तस्वीर बनाई गई है, पैरेट बनाया गया है। बेटा आप किस क्लास में हैं? वन।
फर्स्ट क्लास में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास की जो सरकारी स्कूल की बच्ची है उसकी तरफ से पैरेट बनाया गया है। बेटा आपको ये बनाने में कितने समय लगे? कितने दिन में बनाया आपने? एक दिन में। तो इनका कहना है कि ये इन्होंने एक दिन में बनाया है। इसी क्रम में हमारे साथ मैम है जो ड्राइंग बना रही हैं, बच्चों से कह रही हैं कि आप इसको बनाने का प्रयास करें। मैम यहाँ पे आकर ऐसा ये महसूस नहीं हो रहा है कि ये एक सरकारी स्कूल है। कैसे आप लोग मैनेज कर रही हैं व्यवस्थाओं को? व्यवस्थाओं को मैनेज तो जो एक सिस्टमैटिक स्कूल चलना चाहिए उसी तरह से किया जाता है, और सरकारी स्कूल अब दिन पर दिन बेहतर हो रहे हैं क्योंकि सरकार ने इतने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। हर प्रति बच्चा यहाँ पर 1200 रुपये दिया जा रहा है, यूनिफॉर्म के लिए, शूज़ के लिए, और कॉपी पेंसिल के लिए, स्टेशनरी के लिए भी दे रहे हैं। इवन बुक्स हम फ्री यहाँ से डिपार्टमेंट की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट देता है। तो सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ किया जा रहा है। तो जो ये चीज़ें हैं हम लोग अरेंज कर पाते हैं, वो जो ग्रांट्स आती हैं स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, बच्चों के लिए, गरीब जनता के लिए काफ़ी कुछ ये सरकार कर रही है, तो उसी की वजह से हम लोग कर पा रहे हैं। और बाकी जो बच्चों के साथ एक इंडिविजुअल होना चाहिए रिलेशनशिप टीचर का, तो वो हम लोग मेंटेन करते हैं, बच्चों से बातचीत रखते हैं, बच्चों का जो है कि डर ना रहे कि स्कूल के नाम पे डरें, तो काफ़ी संख्या यहाँ पे आ जाती है। उस हिसाब से मैक्सिमम 90% तक आ जाते हैं, अटेंडेंस रहती है। अभी जब मैं कैमरा चालू करने से मेरी बात हुई थी मैडम से, तो मैडम ने कहा कि ये बच्चे हमारे बच्चे के जैसे, बच्चों के जैसे हैं, तो हम इस तरह से उनको यहाँ एक तरह से परवरिश करते हैं जितने देर यहाँ रहते हैं, साथ ही साथ उन्हें शिष्टाचार सिखाते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? शिष्टाचार का तो सबसे पहले तो स्वच्छता से स्टार्ट करते हैं, फिर बच्चों को समझाते हैं, छोटे बच्चे इन्हें कुछ समझ नहीं आता, फूल की खुशबू, फूल सुंदर लगता है, आप भी सुंदर रहिए, और उस पे गाने सिखाते हैं, तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, जीवन सुंदर, उसके हिसाब से धीरे धीरे आर्ट कर रहे हैं, फिर पोएम के थ्रू इनको क्लीनिंग का सेंस, बैठने का सेंस, ये जो बॉटल हमने सिस्टमैटिक लगवाई है, अभी छोटे हैं, इनको अपनी कॉपी किताबें संभालना आना चाहिए, और बॉटल्स को कैसे रखना है, पानी नहीं गिराना है, यही सब जो है हम उनको थोड़ा समझा कर, और उन्हें शांत रहकर कैसे अनुशासित रह के क्लास में पढ़ाई करनी है, ये सब इनके बेसिक्स सिखाए जाते हैं। जब बड़ी क्लासेस में ये है कि आप पढ़ाई करा सकते हो, छोटे बच्चों के तो बेसिक्स इम्प्रूव करते हैं कि 5 फ्रूट्स के नेम्स क्या हो गए, 5 एनिमल्स कौन से होते हैं, या मेन चीज़ें थोड़ी बहुत है ना बेसिक। शुक्रिया मैम आप हमसे बात करने के लिए। तो आप नरही के स्मार्ट स्कूल में तस्वीरें देख रहे थे, यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक दीवार पे कुछ शिक्षा से जुड़ी जो कलाकृतियाँ हैं, पेंटिंग है, उसको बनाया गया है, और साथ ही साथ दैनिक दिनचर्या को लेकर कैसे पालन करें उसके लिए भी यहाँ तस्वीरों से बताया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक दूसरी क्लास है ये क्लास, इस क्लास में आप आके देख सकते हैं कि तमाम जो बच्चे हैं वो बहुत ही बेहतर ढंग से बैठे हैं, और यहाँ शिक्षिका है वो उन्हें, यहाँ भी ड्रॉइंग की क्लास चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि ये बच्चा गणेश वंदना पढ़ रहा था, पूरे देखा जाए तो सही ढंग से पढ़ रहा है, साथ ही साथ जो यहाँ शिक्षकों की मेहनत है वो उनके जो बच्चे हैं उनके भविष्य में काम आएंगी। साथ ही साथ बच्चों की अगर बात की जाए तो सभी बच्चे यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में ड्रेस पहने हुए हैं, अधिकांश बच्चों ने यहाँ ड्रेस पहना है, और जो मुख्यमंत्री की तरफ से 1200 रुपये दिए जा रहे हैं बच्चों के ड्रेस को लेकर, वो यहाँ सही ढंग से आ रही हैं। साथ ही साथ जो भी व्यवस्थाएँ सरकार की तरफ से मिल रही हैं वो सुचारू ढंग से यहाँ मिल रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। आपको याद होगा कोरोना काल में स्कूल बंद हो गए थे, लेकिन योगी सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस संचालित कर बच्चों की शिक्षा में कोई नुकसान नहीं होने दिया। प्राइम टीवी से आरती तिवारी की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह प्रदेश की योगी सरकार प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीर बदलकर नौनिहालों के सपनों को साकार करने में लगी हुई है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।